सकते हैं आप। तो गाइस बेसिकली हमारे माइनक्राफ्ट का फर्स्ट एपिसोड होने वाला है, तो आप देख सकते हैं मैं अपनी स्किन बना ली है। स्टीव के बारे में थोड़ा सा डिज़ाइनिंग वगैरह करिए तो अच्छा लग रहा है ये। तो हम फटाफट से एक वर्ल्ड बना लेते हैं अपने लिए। तो यहाँ पे आसान मेरे भाई के बने हुए माइनक्राफ्ट 1.19 में से डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो मैंने यूट्यूब से थोड़ा वीडियो देख के डाउनलोड कर लिया है। अब हम अपने वर्ल्ड का नाम यहाँ पे रखेंगे, क्या रखें हम यहाँ पे रखेंगे, क्यूबर रख दिया बस। ठीक है, हमने अपने क्यूबर रख दिया है और फटाफट से हम इस वर्ल्ड को क्रिएट कर लेते हैं। तो कैसे हमारा वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है, हाँ तो सब देख सकते हैं हमारा ये लग रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड विद विलेजर्स टू ऑब्टेन 4 टूल्स एंड इवन, तो ये फटाफट से लोडिंग कर रहा है। तो सब बिल्डिंग ट्रेडिंग हो रहा है। तो इस पर और से बिल्डिंग एरिया में बात मिलते क्योंकि थोड़ी देर लगेगी। तो कस वैसे भी बिल्डिंग एरिया हो गया तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। तो अगर से लोडिंग होना शुरू हो गई है तो हमारा वर्ल्ड स्टार्ट हो चुका है, असल वर्ल्ड स्टार्ट हो गया। तो सब लोग देख सकते हैं हम कितने प्यारी जगह स्पॉन हुए। तो मैं सबसे पहले ऊपर चलता हूँ और थोड़ी बहुत फोटो इकट्ठी करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ, फटाफट से फोटो उठते हैं, क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं और फटाफट से विलेज होने की तैयारी करते हैं। तो बिना देर किए फटाफट से करते हैं। तो मैंने वुड तोड़ दिए, दूसरी वाली वुड भी तोड़ दी हमने। तो कैसे मेरे पास 5 वुड इकट्ठी हो चुकी हैं। तो ये सामने आप देख सकते स्टोन ने, पीछे से लेक भी है। ये तो कुछ नहीं लग रहा है, पूरा का पूरा तो टेंशन नहीं है। रैबिट इस वाले डेजर्ट में होते हैं भाई रैबिट। तो क्या स्टील फ्लावर मिला है, हमें इसे तोड़ दूंगा मैं, मतलब टूट गया। तो अपनी फटाफट से इन्वेंट्री खोलते हैं और बनाते हैं अपना एक। तो बस मैंने इसको लोग को यहाँ पे रख के फटाफट से सारे का सारे ये बनाते हैं। एक क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं, एक स्टिक्स, 2 स्टिक्स बना लेते हैं और जो क्रॉफ करते हैं फटाफट से अपने क्राफ्टिंग टेबल को रखते हैं। इस पर क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ से भी मैं अपने लिए एक एक्स और एक पिकैक्स क्राफ्ट कर रहा हूँ और फटाफट से एक्स इसको तोड़ लेते हैं। अब देख सकते हैं मैंने इसको कर लिया। अब फटाफट से इसको और थोड़ी कटाई करते हैं, उसके बाद लेते हैं मैं इसको तोड़ लेता। इसको मैंने कैसे ऐसे तोड़ लिया, इसके वाले को भी तोड़ लेते हैं। देखो 2 वुड इकट्ठी हो गई है, यहाँ पर मुझे मैंने बैड भी बनाना होगा। तब इसे रेड फ्लावर भी तोड़ लेते हैं। अब यार मैं गई है नीचे, तो कुछ फटाफट से शेप ढूंढते हैं, शेप हमें कहीं मिले ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओके सामने इसे रेड फ्लावर ही है। हंगर बार भी कम हो रहा है, कुछ कुछ मिल ही नहीं रहा है। ऊपर आ गया हूँ, मेरा वर्ल्ड लोड नहीं हुआ था। यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है,
तो कैसे हम ऊपर चलते हैं और सामने काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गैस मैं वहाँ पर फटाफट जंप मारूंगा, अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, खुद वहाँ पर जंप मारूंगी। तैरते हुए चलते हैं आगे, गई तैर रहा हूँ मैं, हम तैरते हुए आगे चलने वाले हैं। तो देख सकते हैं मैं ऊपर आ चुका हूँ, फटाफट वहाँ पर खड़े होते हैं और यहाँ से इनके सब चलते हैं। फटाफट थोड़ी बहुत टिकट इकट्ठे कर लें क्योंकि वो क्लाइंबिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो कैसे हमको विलेज भी मिल चुका है, तो कैसे बहुत अच्छी बात हो गई है। मुझे लग रहा था कि सामने अच्छा मौसम हो रहा है, विलेज मिल जाएगी। मैंने तो मुझको सामने बल्ब बनाया भाई, मैंने कुछ सीट वीट नहीं डाली। गेम इतना लाइक क्यों कर रहा है यार, उसके बाद उठा डोर खोलते हैं और अंदर चलते हैं। कैसे पे लैक्टिन वगैरह पड़े हैं, मैंने यहाँ पे ईग में लगा दिया। अगर समझो फटाफट से चीज़ें मिल जाए, मैं अपने डिस्पॉन पैड सेट कर देता हूँ। यार डोर बंद करो, वही विलेजर को मारने आ जाते हैं ज़ॉम्बी, नहीं तो ज़ॉम्बी आ जाते हैं कि इस विलेजर्स को मारने। तो मैं आगे आ चुका हूँ, इसको मैं फटाफट से, अरे यार ओवर लगा दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। तो कुछ यहाँ पे विलेजर्स हैंगे, कुछ वहाँ पर खाने का सामान भी पड़ा हुआ है, और कुछ ईरान गुलम भी है, यहाँ पे फार्मर भी है। तो मैं फटाफट से उस सामान को ऊपर रख देते हैं, इसको ऊपर रख दिया मैंने, और कुछ फटाफट से खेती तोड़ देते हैं। अरे भाई इसको तोड़ना, दस फार्मर के साथ हमने तोड़ दिया। तो किसी से कुछ तोड़ लेंगे, उसको तोड़ने से पहले कैसे हमको तोड़ना पड़ेगा, वरना कैसे मसला हो जाएगा। तो कैसे देख सकते हैं मैंने सीड लगा दिए, अभी मैं इसको सारी सीड वापस कर दूंगा, देवी का तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कुछ मैं फटाफट से इसको रख कोई भी, कैसे हमको सामने एक रूम पोर्टल में मिल गया, क्या किस्मत चल रही है यार। फटाफट से भागते हुए चलते हैं, मुझे भागते हुए नहीं दौड़ते हुए जाएंगे, क्योंकि शीप वगैरह मिल गई, बेड मिलने इतने देर पर मैं चाहिए, पहले शीप खा लेते हैं भाई। वही अल्लाह में लाभ मिल जाओ, अच्छा था देख रहे हो कितना बचाऊँ मैं, किस्मत बहुत चल रही है माशाल्लाह। बस फटाफट से फूड खा लेते हैं, तो बस आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरा का पूरा हेल्थ फूड खा लिए। अब हम फटाफट से आगे चलते हैं और चेस्ट खोलते हैं, अलग अलग चेस्ट में अच्छा निकले। गाइस गोल्डन एप्पल, क्या हो रहा है यार आज, मैंने फटाफट से कुछ निकाल लेता हूँ। गाइस फ्लिंट वगैरह भी निकाल लेते हैं, इतने सारे आयरन के इंगट मिले हैं, एक लेजर की मंडी की बात, कौन मार रहा है लेजर को। अच्छा वो वहाँ खड़ा हुआ है, चलो कोई नहीं, अपनी फटाफट से आ रहा हूँ यहाँ पे, किसी अपने विलेज का रिस्पॉन पॉइंट सेट कर दूँ, पता नहीं कब दूर से चल कर आ रहा हूँ मैं। यहाँ पे जाते हैं, ये हो गया रिस्पॉन पॉइंट सेट, इस स्टेयर को तोड़ते हैं, इस
इसको यहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं, कोई अच्छा सा घर ढूंढते हैं। गैस वो ज़्यादा मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो उससे पहले एक आयरन कॉलम को मारेंगे, उसके बाद ही मज़ा आएगा, वरना मैं नहीं मारूंगा। यार कैसे कारण गोलम नहीं मारा जा रहा मेरे से, वो जहाँ पे रुकेगा ना कैसे पे टावर अप कर लूँगा, ऊपर चढ़ेगा नहीं चढ़ रहा, मुझे चक्कर लगा रहा था ऊपर, जब तक ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर टावर अप कर लेता हूँ। बस यहीं पर ही आ रहा है, एक दो एक्स निकालते हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरी हेल्थ वो नहीं जा रही, क्लाइंबिंग नहीं कर पा रहा हूँ मैं। आयरन कॉलम यहाँ पर आ जाओ मेरे भाई। अरे यार कैसे मुझको नीचे जाना पड़ेगा, गाइस इतना सा बाल बाल सा रह गया मैं। तो गाइस फटाफट से मैं वोट खोल लेता हूँ और ज़्यादा, तो गाइस आयरन गोलम को गाइस कल मारेंगे, अब फटाफट से विलेज में जाते हैं। यहाँ हमारा कैसे रिस्पॉन पॉइंट सेट है, यहाँ पे बिरिंग स्टैंड वाला भी है, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सब वो ऑर्डर था, मुझे लगा कि वो हीरो ब्राइन है, मैं हीरो ब्राइन की वीडियो देख रहा हूँ आजकल ना, राइट। तो बस मैं नीचे गिर सकता हूँ और मैं मरूँगा तो नहीं, मुझे पक्का पता है यार, वॉर्डर में कुछ दिखाऊँ मान जाऊँगा। देख रहे हो बड़ा वाटर में कूदूँ मैं, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब हम जाएंगे किसी के घर में मेहमान बन के, ये कौन है, ब्लैक स्मिथ लग रहा है, नहीं ब्लैक स्मिथ तो उसकी एक आँख ढकी हुई थी, उठो सॉरी मैंने नहीं मारा, मैं तो गलती से रख दी। उसको ना जाके बुला देगा, इसी क्या बोलते हैं उसको, ईरान गोलम को, आयरन गोलम को सॉरी। तो गैस हम फटाफट से आगे जाते हैं, गैस मुझे स्वेज में है भी नहीं दिख रही यार कहीं पर भी, तो कैसे स्टोन वगैरह भी हैं घर पे, तो हम उसी नदर पोर्ट को आगे अंदर वो करवा देंगे। तो मैं निकलूँ तुम्हारी भैंस की, तो कैसे स्मिथिंग टेबल है, और भाई मेरे पास आयरन आर्मर पड़ा हुआ है, पैन के लिए मैं पागल हूँ क्या। तो गैस इस आर्मर पर लगा हुआ क्या क्या चेक तो करें, इस पर लगा हुआ है प्रोटेक्शन टू, इस पर लगा हुआ है फायर प्रोटेक्शन टू, तो गैस अच्छा है आर्मर है। बस हेबिल नहीं है, सारा का सारा फर्नीचर वो सारा का सारा फर्नीचर अपने वाले घर में शिफ्ट कर देता हूँ, जो सामने ब्लैक वो जो है टावर वाला घर। तो मैं वर्ड से बैट को उठाता हूँ, चलो मेरे भाई बैठ टॉर्च आप भी आ जाओ, दोनों दोनों जाते हैं घर, तो बस हम दोनों जा रहे हैं कि आयरन गोलम यहीं पर खड़ा हुआ है, टपका सकता हूँ उसको, वो भी सब अच्छा गलती से नहीं लगा मेरे पास। आजा 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 आजा, नहीं मार सकता,
जो कि सब मर चुके हैं बदतमी। उई उई, मैंने दूसरे घर में रिस्पॉन्ड पैड सेट करा था यार, मजा आ गई, रोना आ रहा है मुझे। मैं आयरन ग्लोव से पंगे ले लूँगा, आयरन ग्लोव अच्छा बच्चा है भाई, अच्छा। मैं इस मेहमान के मैं लेके सो गया था भाई इससे, और मैं उस तरफ गया था, ये तो गुड़ गया यार। चलो वहाँ पर चलते हैं, आयरन ग्लोव ऊपर ही है, इसको टपका सकते हैं, पर तो नहीं टपकाऊँगा, अच्छा बच्चा हूँ मैं, बदल लूँगा, मगर टपका कौन रहा है, बस प्रोटेक्शन बचाया था हमको। आयरन ग्लोव को देखूँगा कि नहीं भाई, अब मैं आयरन मिल जाएगा उससे, वाटर पर बन जाएगी एम एल जी उपाई, बट मोबाइल में होती है नहीं, खोल रहे लगती है भाई, एक चेस बनवा के रखवा लो उसमें। तो गाइस मैंने एक्स से फटाफट से बहुत सारी तोड़ ले थे भाई, बहुत काम की। तो पहले अपने घर में जाते हैं भाई, वहाँ पे सारा का सारा अपना वो लगा कराते हैं, उसके बाद आयरन ग्लोव को मारेंगे आराम से। अपने आप को अपडेट भी करना है भाई, बराबर वाले घर से थोड़ी सी लकड़ी किराए पे ले लेते हैं, बाद में जब बड़े बंदे बन जाएंगे, डामर डामर का आर्मर ले लेंगे, उसके बाद उसको लुटा देंगे भाई। वैसे भी घर किसी का नहीं है शायद से, तो कैसे भैया आपका घर है? उस तरीके क्या हो गया यार, माउस वाली आदत है ना, शिट 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 प्लेट पे क्लिक करना होता था। मैं मार दूंगा सारे बच्चों को, मुझे पता है मारना नहीं चाहते, पर मार दूंगा फटाफट से। कैसे ऊपर चलते हैं स्पीड से, और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो कैसे इस टॉर्च को हम पकड़ते हैं और इसको यहाँ पे रख सकते हैं, इसको मैंने कैसे यहाँ पे शिफ्ट करवा दिया है, और अब मेरे पास बैट तो है ही, तो कैसे मैं फटाफट से यहाँ पर टॉर्च लगा देता हूँ, और एक बैट यहाँ पे फटाफट से क्राफ्ट करके मैंने लगा दिया, और यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। तो कैसे मेरी लाइव स्ट्रीम, तो कैसे थोड़ा सा आगे चलते हैं अभी, और कैसे इनसे हमको स्टोन भी मिल जाएंगे। तो कैसे फटाफट से स्टोन तोड़ लेता हूँ, तो बस मैंने फटाफट से यहाँ से जितने ज़्यादा स्टोन हो सकते हैं तो स्टोन तोड़ लेते हैं भाई। तो बस इसमें बैठ जावा डिचन में शायद नीचे स्टोन नहीं लगे हुए थे, एक लेयर के नीचे, यार ये कैसे हो सकता है, जावा में तो नहीं होते, जो लोग जावा खेलते हैं भाई बताना मुझे। जावा एडिशन मोबाइल से ज़्यादा अच्छा होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया वरना मैं इसमें वीडियो लेकर आता था। ये वुडन पिकेक से कलेक्ट नहीं होगा शायद से ब्लिंग स्टोन, क्योंकि इसमें वाटर वाटर इन सब स्टोन्स को मैंने तोड़ लिए, ये मेरा घर बन चुका है भैया। इसके ऊपर कभी बदतमीजी करने गए, कोई भी कब्जा वब्जा करने आएगा तो मैं उसको तो उठा उठा के देखने वाला हूँ। और भाई अच्छा ये तो उसके ही है ना, है अभी इसको बाहर में समझा देंगे, बाहर ले जाके इसके ही तोड़ दूंगा मैं, अभी मेरा घर है। तो बस मेरे फटाफट से मैं यहाँ पे फर्नेस बना लेता हूँ, एक फर्नेस बना लेता हूँ, बस एक आयरन गेट बन सकता है, एक आयरन गेट बना लेते हैं भाई, एक स्टोन की पिकैक्स बना लेते हैं गाइस, एक एग्स बना लेते हैं, पता है यूट्यूबर वालों ने दिया उसको।
तो गाइस मैंने सारे फ्रूट्स की प्लैंक्स बना ली हैं और अब मैं फटाफट से चेस्ट बना लेता हूँ। मुझे एक चेस्ट, दो चेस्ट, तीन। तो गाइस फटाफट से मैंने चारों की चारों चेस्ट बना ली हैं, तो क्रॉस कर देता हूँ। अब हम चेस्ट का रखें यार, ऊपर वाला रूम स्टोरेज का होगा हमारी, तो वहाँ पे सारी की सारी स्टोरेज की चीज़ें रखने वाले हूँ मैं। यहाँ पे नहीं, मेरी बेडरूम में सबसे ऊपर। तो कैसे यहाँ से चलते हैं ऊपर, एक जंप लगा के, और कैसे यहाँ पे एक चेस्ट लगाते हैं, यहाँ पे एक चेस्ट लगाते हैं, ये कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे बैठते हैं, एक चेस्ट यहाँ लगा देते हैं। अबे यार आगे में लग गई, यहाँ लगाते हैं और स्टोरेज को तोड़ना पड़ेगा। स्टोरेज को बस फटाफट से कलेक्ट कर लेते हैं। और इतने कैसे अपना गोल्डन एप्पल रखवा देते हैं। मुझे ध्यान में यार कल आप दे लिया था मैंने बोल, मैंने पूरा दे लिया। तो बस मैं फटाफट से इसके अंदर, तो बस मैंने इसमें फटाफट से अपना गोल्डन एक्स रखवा दिए, पिकेक्स रखवा दिए, और इसमें अपना ऑब्सिडियन रखवा देता हूँ। और इसमें गाइस मैंने ये भी रखवा दिया, और अपना ट्यूलिप रखवा दिए, और साथ से ये सब कुछ सारा का सारा अपना जो जो सामान है उसको रखवा देते हैं, और स्टिकर्स भी रखवा देते हैं। स्टिकर्स मैंने क्यों तोड़ ली, सीट्स के भी कोई काम नहीं है, इसको भी रखवा देते हैं गाइस। और उसके बाद हमारे ये तो खाने पीने का सामान है भाई, इनको हाथ में ले लेते हैं, और गाइस फिलन को भी रखवा देते हैं, और इसको रख लेते हैं नीचे। और गैस फिलेंट स्टील से हम लोगों को जलाते रहेंगे। उसको मैंने क्रॉस कर लिया, फटाफट से गैस नीचे चलते हैं। क्रॉस को भी बटन लगाया हुआ है, और फटाफट से स्प्रिंग स्टैंड को तोड़ लेते हैं। अब स्प्रिंग स्टैंड को किसी घर में चल के लगा लेंगे। स्प्रिंग स्टैंड वाला कोई बंदा बन जाएगा, तो कैसे फटाफट से हम बंदे को धक्का देंगे ना, तो ये उधर जाएगा। क्योंकि वहाँ पे आयरन को लगा चुका है फिशरमैन देखा, फिर मैं ट्रेड करना चाह रहा हूँ उससे, और वो मुझे मार, मैंने मार दिया उसको। तो कैसे मैंने सिर्फ फर्नेस में लगा दिया, सिर्फ फर्नेस लगा देते हैं, अपनी फर्नेस अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे स्मिथिंग टेबल सब कुछ लगा देंगे अपना अपना, तो बंद कर देते हैं। और फर्नेस में कुछ सामान में कुछ भी नहीं पकाना अभी तो फिलहाल, तो अपने घर से बाहर निकलते हैं गाइस, और अपना खाना फूड जमा करने की सोचते हैं गाइस। फूड तो गाइस यहाँ पे ये आ चुका है, इसको फटाफट से जलाते हैं। तो गाइस मैं चल रही है इसको फटाफट से केक्स मार। अबे यार कुछ मकान चाह रहा था मैं, तो बस पहले क्या करें, पहले एक एम्बर को केक्स मारते हैं, उसके बाद इसको जला के मारेंगे। बस फ्लिंट स्टील है, जैसे ही जलने की कभी नहीं चले, एक एक्स मार, एक एक्स लग गई, और फ्लिंट स्टील मार दिया गाइस, इससे ये फटाफट मर जाएगा। कैसे मर चुका है, अब हमको इससे कुक फूड मिला होगा एक नहीं। तो इसको एक हल्का सा मार शॉट मारते हैं, इस वाली गाँव को भी कैसे शॉट मारते हैं। कैसे रात हो रही है, ज़ॉम्बी आ जाएंगे, सारे विलेजर को जख्म कर देंगे, तो सबसे पहले जाके सो जाते हैं। आयरन गोलम तो है गाइस वहाँ पे, हमारा घर आ चुका है, वहाँ से चलते हैं उसको ऊपर कर देते हैं। किस हमारा बेड ऊपर है, तो शायद कोई भी नहीं आ पाएगा उधर, मेरा मतलब है कोई विलेजर नहीं आ पाएगा। तो हम फटाफट से ऊपर आ गए, और यहाँ पे चल के सो जाते हैं।
ये हो चुका है तो मैं फटाफट से फूड खा लेता हूँ, इसको यहाँ रख लेता हूँ और बस फटाफट से फूड खाते हैं। मैंने फूड खा लिए, उससे कैसे ऊ घर से नीचे भी लोग देख सकते हैं, घर हैं काफ़ी से, तो बड़ा विलेज है यार ये, विलेज है सॉरी। तो इस मेरे वहाँ पे जाने का दिल कर रहा है, तो कुछ बड़ा से नीचे चलते हैं और तो बस आज की सारी वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वैसे भी ये लाइव स्ट्रीम थी तो गुड बाय।